उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़े और वंचित समुदायों के उत्थान की सरकार। पिछले 6 वर्षों में प्रदेश सरकार ने जनजातियों के विकास पर दिया ध्यान। अब तक मुख्य धारा से कटे रहे वन टांगिया जैसे अति पिछड़े जनजातीय समुदायों को उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है पूरा सम्मान और अधिकार। बाबा के आने के बाद हमारे यहाँ बहुत से बदलाव हुआ। पहले जैसे हम लोग छप्पर में रहते थे तो बारिश होने पर ही खाना बनाने में दिक्कत होती थी। हम लोगों को आवास, शौचालय, सड़क, इन चीजों से उन्होंने पूर्ति दिलाई। जनजातीय समुदायों के ग्रामों में सड़क, आवास, शौचालय, पेयजल और बिजली की आपूर्ति की सुनिश्चित। विशेष ग्राम प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना से युवाओं और महिलाओं के जनजीवन में आ रहा है सकारात्मक बदलाव। 2018 में पहली बार 4 वन टांगिया ग्रामों को राजस्व ग्राम के तौर पर दर्ज कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा गया। योगी जी जब यहाँ आए इतना सुख सुविधा हमें सबका देगी। शौचालय मिला, आवास मिला, सुरोजा पैलेट मिला, लाइट मिला। प्रदेश सरकार के प्रयासों से वंचित समुदायों तक पहुंच रही हैं सुविधाएं, हो रहा है विकास। कोई न रहे पिछड़ा, बदले हर परिवेश। उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश।